हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और बच्चों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 42 फॉर सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट है, क्लास नाइन्थ की बेटा वर्कशीट है, जो कि आपके लिए 9 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और ये वर्कशीट जो है, इसमें हमारा चैप्टर बल तथा गति के नियम चैप्टर 9 कंटिन्यू है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। जिज्ञासा दीदी, बंदूक से गोली छोड़ने पर वह पीछे की ओर प्रतिक्षेपित या धकेली क्यों होती है? तो ये हमने गति का तीसरा नियम पढ़ा, उसमें पढ़ा था कि जब बंदूक से गोली निकलती है तो जो बंदूक है उसके बाद पीछे की ओर धकेली जाती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था गति के तीसरे नियम के अनुसार ऐसा होता है। तो उसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम। तो ज्ञान इसे हम संवेग संरक्षण के नियम से आसानी से समझ सकते हैं, जो गति के तीसरे नियम पर ही आधारित है। इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद जो है क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, यानी जो संवेग वस्तुओं के टकराने से पहले था, ठीक है, और उनके टकराने के बाद जो होगा नया जो संवेग होगा, वो दोनों आपस में बराबर होंगे, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल वो कार्य न कर रहा हो। यानी उस पर कोई भी असंतुलित बल जो है, कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा हो, या दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में कैसा होता है, अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। इसके अनुसार गोली और बंदूक का संवेग गोली छोड़ने से पहले क्या है, विराम अवस्था में है। यानी दोनों चीज़ें, जो बंदूक है और गोली है, दोनों जो है विराम अवस्था में है, तो उनका संवेग क्या है, उनका संवेग जीरो है। ठीक है, क्योंकि P बराबर क्या होता है बेटे, P बराबर एम वी, एम तो है लेकिन V जो है क्या है, जीरो। तो यानी ये जीरो है तो संवेग भी क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन गोली छोड़ने पर बंदूक जो है गोली पर बल लगाकर उसे त्वरित कर देती है। जब गोली छोड़ी जाती है तो जो है क्या होता है कि वो त्वरित हो जाती है गोली, उस समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में बल लगा उसे त्वरित कर देती है। तो यही हमने पढ़ा, न्यूटन का तीसरा नियम यही है। ठीक है, विपरीत दिशा में बल लगेगा, बराबर बल लगेगा, जिसकी वजह से कुल संवेग जो है वो क्या रहता है, वो संरक्षित रहता है, शून्य ही रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संवेग संरक्षण के नियम के लिए समीकरण दिया गया है। यहाँ पर हम समझेंगे समीकरण द्वारा कि किस प्रकार संवेग जो है वो संरक्षित रहता है। माना कि दो गेंद हैं ए और बी, जिनका द्रव्यमान क्रमशः एम ए और एम बी है। ठीक है, एक सरल रेखीय दिशा में वेग क्रमशः यू ए और यू बी से गति कर रही हैं। यानी जो है एक सरल रेखा में दोनों चल रही हैं, यू ए और यू बी से गति कर रही हैं, यानी वो उनका क्या है, प्रारंभिक जो है वेग यहाँ पर हम कहेंगे। अब उन पर कोई भी अन्य असंतुलित बल जो है वो कार्य नहीं कर रहा है। माना यू ए और जो है ज़्यादा है, यू ए ज़्यादा है किससे, यू बी से। यानी यू ए की गति, ए बॉल की गति ज़्यादा है यू जो है बी बॉल से, उस समय क्या होगा, और वह टी समय में एक दूसरे से टकरा जाती हैं, जिसमें क्या होगा, अब यू जो ए बॉल है उसकी गति ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, ए जो है बी पर क्या करेगी, बल लगाएगी। उस बल को हम क्या लिखेंगे, ए बी, यानी ए के द्वारा बी पर लगाया गया बल। और गेंद जो बी है वो फिर उसके ऊपर बल लगाएगी, यानी एफ बी ए, दोनों टकराएंगी तो ए बी पर बल लगाएगी, बी जो है वो ए पर बल लगाती है, और टकराने के बाद उनका वेग क्रमशः वी ए और वी बी हो जाता है। टकराएंगी तो उनका वेग बदल जाता है, और वो वेग बदलने के बाद क्या हो जाता है, वी ए और वी बी हो जाता है। अब गेंद ए का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या होगा, तो देखिए टकराने से पहले P बराबर है एम वी होता है ना, तो टकराने से पहले एम ए यू ए होगा, टकराने के बाद एम ए वी ए हो जाएगा। इसी तरह गेंद B का भी टकराने से पहले एम बी यू बी होगा, टकराने के बाद एम बी वी बी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या होता है कि गेंद ए का संवेग में परिवर्तन की दर निकालनी है, तो दर के लिए समय लेंगे, तो आप P बराबर है क्या है, P बराबर है एम वी, तो अब यहाँ पे परिवर्तन की दर लेनी है, तो हमारा जो फाइनल जो वेग है और उसमें से हम जो हमारा प्रारंभिक है वो क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारी जो है परिवर्तन की दर निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमने यही किया, इसी प्रकार B के संवेग में परिवर्तन की दर हमने निकाली, तो एम बी वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाई टाइम। उसके बाद गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होगा, गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया गया बल क्या है बच्चे, एफ ए बी है। ए ने बी पर बल लगाया है, और बी ने जो है किस पर बल लगाया है, बी ने
जो बल लगाया है वो ए पर लगाया है, लेकिन किस दिशा में? विपरीत दिशा में। गति का तीसरा नियम यही कहता है। तो एफ ए बी बराबर है माइनस एफ बी ए, या आप जो है एफ की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये जो गिवन है ये जो है ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, एम ए वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाई टी, और एम बी वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाई टी। अतः एम ए यू ए ठीक है प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, यहाँ पर जो है ये सॉल्व करोगे तो ये जो इक्वेशन है आपको ये यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन आपको यहाँ पर मिलती है जब आप इसको सॉल्व करते हो। तो इस इक्वेशन से हम क्या पाते हैं बच्चों, इस समीकरण, ये समीकरण हमें ये बताता है कि टकराने से पहले ए और बी का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग बदलता नहीं है, वो संरक्षित रहता है। यानी देखिए एम ए और यू ए और एम बी और यू बी, ठीक है, ये दोनों किसके बराबर हैं? एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी के बराबर हैं। तो ये है संवेग संरक्षण का नियम। इसी नियम के आधार पर अब आपको कुछ जो है क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो संवेग संरक्षण का नियम हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि संवेग संरक्षण जो है क्या होता है। यहाँ से आप लिखेंगे, इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं का संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जब पर उन कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करता। तो क्वेश्चन वन का आंसर यहाँ से लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या है, हवा से भरे गुब्बारे के हवा निकलने पर वह तेजी से इधर उधर क्यों भागता है? तो तेजी से इधर उधर क्यों भागेगा, ये भी संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार ही जो है वो इधर उधर भागता है। तो देखिए बच्चों इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो ये है इसका आंसर, जब गुब्बारा हवा से भरा होता है तब इसका संवेग जीरो होता है, और जब गुब्बारे में से तेज गति से हवा निकलती है तो यह पीछे की तरफ बल लगाती है। ठीक है, और संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार गुब्बारा जो है क्या करता है, आगे की ओर गति करता है। एक बार फिर से देखिए, जब बेटा गुब्बारे में हवा से जब गुब्बारा हवा से भरा है तो उस समय क्या है, इसका संवेग क्या है, जीरो होता है। लेकिन जैसे ही गुब्बारे में से हम एकदम से तेज से हवा निकालते हैं तो क्या होगा, यह पीछे की तरफ जो है बल लगाती है, हवा पीछे की तरफ बल लगाएगी। और संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होगा, जब वो पीछे की तरफ बल लगा रही है तो गुब्बारा कहाँ जाएगा, गुब्बारा जो है उस संवेग को संरक्षित रखने के लिए, उसको शून्य रखने के लिए वो आगे की ओर गति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीन क्या है, रॉकेट में आग लगने पर वह तेजी से ऊपर की तरफ क्यों उठता है? तो रॉकेट में जब आग लगती है तो वो रॉकेट आगे की तरफ जाता है, वो भी संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार ही है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही रॉकेट में आग लगती है तो ईंधन जलता है, गैस निकलती है, गैस जो निकलेंगी वो पीछे की तरफ जो है एक तरह से क्या होता है, पीछे की तरफ निकलती हैं, बल लगाती हैं, जिससे रॉकेट जो है वो आगे की तरफ गति करता है संवेग को संरक्षित रखने के लिए। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, रॉकेट में आग लगने से पहले क्या होता है, इसका संवेग जीरो होता है, और जब रॉकेट में आग लगा दी जाती है तो ईंधन जलता है और गैस से तेज गति से नीचे की तरफ से जो है गैसें जो है वो क्या होती हैं, तेज गति से नीचे की तरफ बाहर आती हैं, और रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार संवेग को बराबर रखने के लिए आगे की तरफ जो है वो गति करता है। तो कुछ इस तरह से जो है इसमें प्रोसीजर होता है, जो गैसें हैं वो नीचे की तरफ जो है बाहर आएंगी जब ईंधन जलता है, तो ये पीछे की तरफ बल लगाती हैं और इस जो संवेग है उसको संरक्षित रखने के लिए रॉकेट वो आगे की तरफ गति करता है, ईंधन नीचे की तरफ जो है बल लगाएगा, रॉकेट आगे की तरफ गति करेगा संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रश्न जो है चार, दिए गए संवेग संरक्षण के समीकरण को पूरा कीजिए। तो बेटा ये समीकरण हमने अभी किया, ये वाला समीकरण ही है ये आप जो है लिख दोगे। ठीक है, ये प्रश्न जो है चार का उत्तर रहेगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न पांच क्या है, दो गेंदों के टकराने पर गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया गया बल क्या है? एफ ए बी है, और गेंद बी के द्वारा गेंद ए पर लगाया गया बल क्या होगा? एफ बी ए होगा। ठीक है, एक दूसरे के बराबर बराबर बल लगेगा, बिल्कुल बराबर लगेगा, हमने अभी ऊपर किया, ये देखिए बराबर लग रहा है, और विपरीत होगा। ठीक है बेटा, ये रिक्त स्थान पूरे करेंगे आप, तो ये तीनों जो है आंसर रहेंगे, एफ बी ए बराबर होगा और विपरीत होगा। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट साइंस की। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन क्लियर हैं। एक बार आप एनसीईआरटी से संवेग संरक्षण का नियम उसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, उसकी जो एप्लीकेशन है उनको पढ़िए,
और तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो जो है अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।